फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, यदि आप मेरा फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरा चैनल को फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या है। लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 लेस देन इज इक्वल टू टी एंड लेस देन इन्फिनिटी। टी की वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी, इस रेंज में हमारी टी की वैल्यू होनी चाहिए। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल और पैरामीटर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पी गिवन बाय। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि जो फंक्शन है एफ टी का, जब हम उसका लाप्लास करेंगे तो हमारा उसका एक नया वेरिएबल में वो बदल जाएगा। जो वेरिएबल हमारा एक कोई पैरामीटर हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जैसे कि पी लिखा हो गया है। कहीं कहीं पर हम लोग एस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी वो फंक्शन ऑफ पी बन जाएगा हमारा। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट नाम दे दो। The Laplace transform of f t is said to exist if the integral first converges for some value of p, otherwise it does not exist. Operator L is called the Laplace transform operator. The operator L है, इसे बोलेंगे Laplace transform operator. The operation of multiplying f t by e की power minus k p t and integrating from 0 से infinity is called Laplace transformation. तो कह रहे हैं जो ऑपरेशन है हमारा, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन e की पावर माइनस पी टी और एफ टी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और जो जो इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी इज कॉल्ड द, इसको हम लोग कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आपने समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको बार बार पढ़ें।